दोस्तों, दाल मखनी खाना तो सभी को पसंद होता है। जैसे ही दाल मखनी का नाम आता है तभी हमारे दिमाग में क्रिच-क्रीमी सा टेस्ट आता है। दाल मखनी खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और इसे घर पर बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। तो आइए हम दाल मखनी की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक कटोरी साबुत उड़द दाल को 8 से 10 घंटे के लिए पानी में भिगो लिया था और अब हम इस दाल को गैस का फ्लेम ऑन कर देते हैं और कुकर में डाल देते हैं। इसके बाद हम इसमें 1 गिलास पानी भी डाल देंगे और साथ ही में हम 1 चम्मच नमक भी इसमें डाल देंगे। इसके बाद हम इन सबको हल्के से मिला लेंगे और कुकर का ढक्कन बंद करके छोड़ देंगे। और अब हम इसमें 5 सीटियां आ चुकी हैं और कुकर का ढक्कन हमने खोल लिया है। और अब आप देख सकते हैं कि दाल हमारी पूरी तरह से गल गई है। और यदि दाल नहीं गली हो तो किसी भी स्पैचुला की हेल्प से हम इसे मैश कर सकते हैं। अब हमारा दाल वाला प्रोसेस पूरा हो चुका है और अब हम कुकर को साइड में रख देते हैं और अब इस दाल के लिए तड़का तैयार करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम गैस का फ्लेम ऑन करते हैं और देसी घी 3 चम्मच हम पैन में डालेंगे। इसके बाद हम 1 चम्मच जीरा इसमें डालेंगे और गैस अब जीरा हमारा क्रैकल हो चुका है। अब हम इसमें 1 कटोरी प्याज लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे और इसे हम घी में थोड़ी देर के लिए हल्का सा गुलाबी होने तक भूनेंगे। इसके बाद हम थोड़ी सी चॉप की हुई अदरक भी डालेंगे, इससे इसका फ्लेवर जो है दाल का बहुत अच्छे से आता है। इसके बाद हम इसमें 3 टमाटर की बनी हुई 1 कटोरी प्योरी ऐड करेंगे। इसके बाद इसमें 1 चम्मच हल्दी धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे और इन सभी को अच्छे से मिला लेंगे और इन मसालों को अच्छी तरह से भूनेंगे। इन मसालों को हम तब तक भूनते हैं जब तक कि ये मसाला जो है तेल छोड़ना स्टार्ट ना कर दे और इन्हें अच्छी तरह से मिलाते रहेंगे जिससे मसाला जल ना जाए और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। आप देख सकते हैं कि मसाले ने अपना तेल छोड़ना स्टार्ट कर दिया है और मसाला अच्छी तरह से भुन गया है और हम इसे आराम से चलाते रहेंगे जिससे मसाला किनारे पर लगे नहीं। इसके बाद अब हम इसमें जो हमारा दाल है उसे ऐड करेंगे और स्पैचुला से अच्छे से मिलाएंगे और इसी टाइम पर हम इसमें 1 गिलास पानी भी ऐड कर देंगे क्योंकि हमें अभी दाल को कम से कम 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाना होगा। आप देख सकते हैं दाल में पानी डल गया है और दाल जो है बहुत पतली सी लग रही है अभी आपको, लेकिन ये जैसे जैसे इसे 15 मिनट तक उबलेगी आप देख सकते हैं कि दाल भी उबलना स्टार्ट कर दिया है और ये धीरे धीरे अब थोड़ी सी गाढ़ी होने लगी है। और अब आप सोच रहे होंगे कि अरे दाल तो उबल गई लेकिन इसमें मखनी दाल जैसा क्या लगा। लेकिन अब इसमें हम मक्खन के पीस ऐड करेंगे। ये मक्खन हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इस टाइम पर मक्खन डालने से दाल में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और इसका एक सॉल्टी सा टेस्ट आता है जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। और अब हम इसको 5 मिनट के लिए और तेज फ्लेम पे पकाएंगे और इस टाइम पर अब हम इसे स्पैचुला से चलाते रहेंगे क्योंकि अगर हम नहीं चलाएंगे तो दाल नीचे से लग जाएगी। और आप देख सकते हैं अब हमारी दाल जो है लगभग बन चुकी है और ये बहुत ही क्रीमी लग रही है। इस टाइम पर अब हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे। आप ध्यान रखें कि जब हम इसमें क्रीम ऐड करें तो जो गैस का फ्लेम है वो ऑफ कर दें और क्रीम को बहुत अच्छे से मिलाएं। ये देखिए ये क्रीम डलते ही एकदम दाल में रिचनेस टेस्ट आ गया है। अब लग रही है दाल बहुत ही क्रीमी और टेस्टी। अब हमारी मखनी दाल रेडी हो गई है, वो खाने के लिए तैयार। आप देख सकते हैं ये बहुत ही टेस्टी लग रही है। आप देख सकते हैं कि हमारी क्रीमी टेस्टी दाल मखनी तैयार है। आप इसे जीरा राइस, नान या रोटी के साथ भी खा सकते हैं। आपको
ये रेसिपी यदि अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस रेसिपी को शेयर करना ना भूलें।